company. Tools are cracking, freeze a party coming. Move around like fresh, fresh when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Hey! नाम है कदीर राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत व्लॉग। तो आज हम आए हैं जी जल्लो बोटैनिकल पार्क में। तो मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ आया नुमान भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है पाजी? तो ये मेरा लंगोटिया यानी बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है यार, इसने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। तो चलाए आपको हम अंदर बोटैनिकल पार्क का विजिट करवाते हैं। और नुमान भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? बस जी ऐसे ही प्यार करते हैं, कदीर भाई को सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह इस तरह ही आपको इंशाल्लाह रिस्पांस देंगे, तो अल्लाह खैर करे। चलाएं फिर आपको हम बोटैनिकल पार्क का विजिट करवाते हैं। चल चल चल। तो ये यहाँ की एंट्री है, अब हम जल्लो में एंटर होते हैं, जल्लो बोटैनिकल पार्क में। Do you like marks? No man. Please enter the marks. अच्छा। ओह भाई खड़ा है यार ये। तो भाई जान बोटैनिकल पार्क में एंट्री के लिए मास्क लाजमी है। तो हमारे पास मास्क नहीं आया था, नुमान भाई मास्क लेने गए हैं, वो लेके आते हैं तो फिर हम अंदर चलते हैं। वो नुमान भाई मास्क लेके आ रहे हैं। हाँ जी नुमान भाई मिल गए भाई जी। मास्क जरूरी है तो कोरोना है तो अपनी हिफाजत अपने तहत ही है ना। तो अब भाई ने कहा मास्क लेके आओ, तो स्पेशल 20 रुपये खर्चे हुए, मास्क दो लेके आए हुए, आपके लिए और अपने लिए। सही, शुक्रिया। तो पैसे आपने दिए, शुक्रिया क्यों कर। हम जल्लो में आ गए अंदर। माशाल्लाह इधर काफ़ी ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फूल, हरियाली है। हाँ वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी अच्छा व्यू है हनुमान भी। तो भाई जान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रिप आए हुए हैं। अभी आज बटरफ्लाई पार्क भी खुला है वो अंदर है। चलो टिकट ले लेंगे, कुछ नहीं होता हनुमान भाई, आपके पास पैसे आएंगे बहुत। तो यार ये देखे अपने बास उतार दिए, यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं कहता, बस वो अंदर अपने उन्होंने मास्क रखे होते हैं बेचने के लिए, तो पहनने तो लाजमी है। तो यहाँ पर काफ़ी यानी अच्छा ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, फूल इतने इतने अच्छे लगे हुए हैं। हाँ जी नुमान भाई, बस जी एनीथिंग यू आस्क। ये कुदरत का निजाम है, ये अल्लाह ताला की बनाई चीजें हैं, बंदा कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसे हमें इन जगह पे आना चाहिए, सैर तो फ्री करनी चाहिए जी, ये हमारी सेहत के लिए बेहतर है जी। चलो जी। और ये क्या तुमने कोई मजमून सुना है? तो अब हम जा रहे हैं जी बोटैनिकल गार्डन। यार ये इधर नहीं है वो दूसरी, ये तो कोई उनका वो है, ये कंटीन है। कंटीन है ये जल्लो जो है ना, मैं कहता हूँ लाहौर का सबसे बड़ा यानी गार्डन है ये, पता नहीं कितने किलोमीटर पे फैला हुआ है। दूसरी तरफ जल्लो सफारी पार्क है, उसका व्लॉग आपने देखा होगा। तो उसके साथ ही झील है, वो काफ़ी बड़ा है क्योंकि इतना लोग भी रहते हैं जल्लो के अंदर। एक गांव है जो जल्लो पिंड कहते हैं ना, जिसे जल्लो पिंड कहते हैं। एक नवा पिंड भी है नवा, वो जल्लो के अंदर ही, जल्लो से थोड़ा पीछे है। तो मैं जल्लो की बात कर रहा हूँ। तो आए आपको हम इधर, एक ब्रिज है, ब्रिज पे लेके चलते हैं। और अगर हमें बटरफ्लाई जो है पार्क, वो यानी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तितली हैं, बटरफ्लाई हाउस, वहाँ पर लेके चलते हैं। अगर वो खुला हुआ तो, ना खुला आया तो फिर कभी आएंगे, फिर आपको विजिट करवाएंगे। क्या कह रहे हो? वो भी नहीं खुला होता, वो 4 बजे के बाद खुलता है। नहीं आज ट्रिप आए हुए शायद खुला हो। चलो देखते हैं फिर। तो ये देखें
इधर काफी लोग बैठ के ना पिक्स ले रहे थे, और अब हम इधर ब्रिज पे जा रहे हैं। देखिए कितने ज्यादा फूल हैं यार इधर, बहुत अच्छी जगह है, खुशबू बहुत ज्यादा है फूलों की। हाँ जी नुमान भाई, किधर जाना है अब? ब्रिज पे। ये देख रहे हैं ना आप पहले ये चीज जी, ये पहले बहुत खूबसूरत होता था, तरतीब लगी होती थी पत्थरों की, बड़ा अच्छा। प्यारा एक डिजाइन बना हुआ था। अच्छा, तो अब जब से हमारे नवाज शरीफ साहब गए ना तो इसकी मत बाज गई। तो ये नवाज शरीफ इमरान खान ने तोड़ा आके? नहीं, इमरान खान ने तोड़ा तो नहीं, पर नवाज शरीफ था ना, उसकी हुकूमत में हर चीज पे गौर की जाती थी। इधर देखिए ना, ये बहुत प्यारा था माशाल्लाह, पहले ये मैंने देखा ना। ओ, ता क्या था इधर? ये पत्थर लगे है ना, पत्थर डिजाइन बना हुआ था इधर पत्थरों का, तरतीब वाइज कलर थे इधर। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा था ये डिजाइन। अच्छा, इधर मैं 2-3 दफा आगे आया हूँ ना, तो मैंने ये चीज नोट की है। अच्छा, इमरान खान साहब कुछ करो, अदा ताड़ी मेहरबानी है। अच्छा, ओके ओके। यार इधर ना यानी पानी होता था, तो रात को इधर लाइटिंग भी होती थी, यानी शाम को, रात को तो बंद होता है, तो बहुत अच्छा लगता था। तो बटरफ्लाई पार्क यानी हाउस भी बंद, हमारा दिल कर रहा है ऊपर चलें। अब चला अनुमान ऊपर, चल आया पबजी प्लेयर आ जा। अनुमान भाई जा रहे ऊपर, मैं भी साथ जा रहा हूँ। यार गर्मियों में इधर आना ना जलालत है, सर्दियां हैं लेकिन गर्मी, सर्दियों में गर्मी लग रही है लेकिन इतनी नहीं लग रही, गर्मियों में बहुत लगेगी। जी भाई का पूल है। अच्छा, और ऊपर से तपिया हुआ पूल है ये। अच्छा, तो तपिया हुआ आपको पता ना? अच्छा, तो गर्मी ज्यादा लगती है, तपिया का मतलब गरम गरम। रेस लगाए ऊपर तक कि हमने ऊपर यानी आने तक रेस लगाई थी, तो मेरा पाँव मुड़ गया, नुमान भाई जीत गया, वैसे भी मेरे से आगे था। तभी तो जीता हूँ। हाँ, मैंने जीतने नहीं देना। इस तरह ही है, इस तरह। तो चलाएं आपको हम ऊपर से, यानी पूरे पार्क का व्यू दिखाते हैं। ये देखें ऊपर से, वो वहाँ पर आबादी रहती है। ये आपके सामने ये जो शेड है ना, ये वाला, ये बटरफ्लाई हाउस जो कि बंद है। बाकी ये देखें हर तरफ हरियाली हरियाली, वो वहाँ पर ना खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। चलाएं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं। हनुमान नहीं, वहां से चलते हैं ना, फिर बस ट्री हाउस जाना है, उधर से फिर चले। होता क्योंकि लाहौर से काफी दूर है, यानी लाहौर के अंदर ही है लेकिन लाहौर शहर से काफी दूर है। इधर यानी ये ट्रिप आते हैं संडे को, काफी रश होता है संडे। हाँ, संडे को रश होता है, वैसे भी आज वर्किंग डे है, तो आज बार ट्रिप आए हुए हैं और कुछ लोग वैसे आए हुए हैं, और यहाँ के वर्कर वर्कर हैं और हम दो जिन्हें अब। तो अब मैं आपको दूसरी तरफ से ना व्यू दिखाता हूँ। पहले आपने पिछले क्लिप में देखा होगा कि मैंने आपको वो पीछे से दिखाया था, अब मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। आपको आवाज आ रही होगी, तो इन्होंने ना ऊपर फट्टे रखे हुए हैं चलने के लिए ना, यहाँ से नीचे सारी ये देखिए जा लिए। यहाँ से हमने नीचे जाना है, तो ये मेन एंट्रेंस है, वो दूसरी तरफ है जल्लो सफारी पार्क, जहाँ पर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा। अगर तो आपने वहाँ पर जानवर वगैरह देखने आने हैं ना, तो फिर ना आइएगा, क्योंकि उधर सारे परिंदे हैं, तो वो दूर करके आबादी है जो यानी इसके अंदर ही है। वो सोजो भी है इस यानी आबादी के पीछे, सोजो है, यहाँ पर सफारी पार्क है और काफ़ी यानी बड़ा है। तो अब नुमान भाई नीचे चले, मैं भी नीचे ही जा रहा हूँ।
इस तरह के हार्ट ना इन्होंने पूरे यानी बोटैनिकल में काफी, बोटैनिकल नहीं जल्लो पार्क में भी काफी बनाए हुए हैं। और ये हमारा बशिंदा नुमान बैठा हुआ है। हाँ जी नुमान साहब, कैसा लगा आपको? बस जी बेहतर 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 कह सकते हैं। हाँ तो ये देखें काफी शानदार है, टोपी पहनी थी खाने वाली, मैंने भी उतार के पहनी, मैं भी देखूं कैसा लग रहा हूँ। हाँ जी नुमान भी जच रही है कि नहीं? माशाल्लाह कदीर भाई, जच्चे ना जच्चे बंदे का दिल साफ होना चाहिए। बेशक आपकी लुक नहीं है, दिल साफ है आपका। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बातें। तो अब जा रहे हैं ट्री हाउस की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पता नहीं इन्होंने क्या बनाया है ना, ये क्या, ये हु इज दैट? नथिंग। हु इज दैट? ये पता नहीं क्या, यानी इन्होंने यानी तस्वीरों के लिए शायद रखा हो इधर। वेस्ट ट्री हाउस, ट्री हाउस उधर है। के बाद अब ट्री हाउस मिल गया तो आपको दिखाते हैं। यार मैंने तो देखा था इतना अच्छा बना हुआ, ये तो इधर बाजार से ही बनाया हुआ है। ये तो हमारे साथ स्कैम हो गया, इतनी देर ढूंढते रहे। लेकिन नहीं वैसे तस्वीरों के लिए अच्छा है ना नुमान? हाँ नहीं मैं समझ रहा था वो जो पूरा प्रॉपर ट्री हाउस बना होता है ना उस तरह का, ये बनाया हुआ। मैं सोच रहा था कि उन्होंने प्रॉपर जिस तरह हमने देखा ना वो बड़े से दरख्त की यानी टैनी टैनी के ऊपर बनाया था उस तरह का, लेकिन ये नहीं। चलाए आपको हम ऊपर से भी दिखाते हैं। एक मिनट रुक जो, ऊपर जाके तो पिक्स लेनी है। माशाल्लाह, आई दे आई दे आई दे आई दे का मतलब पता क्या है? आई दे का मतलब है आजो। ये क्या लिखा हुआ है? आर माय हार्ट बीट, ए यू हार्ट आर माय हार्ट बीट। सही, किधर को सही यार देखा इधर। ये भाई जान ट्री हाउस है, ये भी एक ट्री हाउस है। तो अभी ना पिक्स लेने लगे इधर। चार हजार अभी कितना हुआ है? अभी मेरा हुआ है 200। तो भाईजान हम ट्री हाउस से नीचे उतर गए, तस्वीरें वगैरह ली हैं। तो और कुछ भी नहीं है बोटैनिकल में, मेन चीज़ जो है बटरफ्लाई हाउस वो तो बंद है। वहाँ पर जाना था लेकिन वो बंद है। मेरे ख्याल से मुझे लगा था आज खुला होगा क्योंकि ट्रिप्स वगैरह काफ़ी आ रहे हैं ना, इस वजह से इधर आया था मैं। तो बाकी बहुत अच्छे है, मैं आपको प्रेफर करता हूँ आप बोटैनिकल पार्क में आए। तो अब नुमान भाई को लगी है भूख, नुमान भाई मुझे बिरयानी खिला रहे हैं, वो कह रहे हमारी डील डन हो गई है। तो अब हम जाके बिरयानी खाते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ जी नुमान भाई, अल्लाह हाफिज़ जी। प्यार करते रहो एन जी, सपोर्ट करते रहो, ताड़ी सपोर्ट ही है सानू, फुल सपोर्ट है यारा दी, ते नहीं लोड़ हथियार दी। लव यू हो गया, टेक केयर। ओह माय गॉड, थैंक यू नुमान भाई। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।